गोवा के समुद्र में कार्गो शिप में आग लगी। कोस्ट गार्ड के 3 जहाज आग बुझाने में जुटे एक क्रू मेंबर लापता। भारतीय तटरक्षक बल ने अरब सागर में ऑपरेशन चलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज को बचाया है। दरअसल मैर फ्रैंकफर्ट व्यापारिक जहाज में आग लग गई। जैसे ही भारतीय तटरक्षक बल को इसकी सूचना मिली तो तटरक्षक बल के जहाजों सुजीत, सचेत और सम्राट ने ऑपरेशन चलाकर व्यापारिक जहाज की आग को बुझाया। हालांकि अभी भी स्थिति पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है, लेकिन बड़े नुकसान की आशंका टल गई है। तटरक्षक बल के जहाजों ने बचाया विदेशी जहाज। भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों सुजीत, सचेत और सम्राट के 12 घंटे से अधिक समय तक किए गए प्रयासों से आग को फैलने से रोक दिया गया है। फिलहाल विदेशी व्यापारिक जहाज परवार से 6.5 समुद्री मील की दूरी पर दक्षिण में है और उसे जमीन से दूर करने की सलाह दी गई है। फिलहाल विदेशी व्यापारिक जहाज वर्तमान में ये 6 नॉट की गति से आगे बढ़ रहा है। हालांकि तेज हवाओं के चलते आग पर पूरी तरह से काबू पाने में खासी चुनौती पेश आ रही है। अरब सागर में बढ़ा भारत का प्रभाव। अरब सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी इलाका है और ये कई शिपिंग लेन और बंदरगाहों को जोड़ता है। इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये एक अहम रास्ता है। भारत अरब सागर में अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटा है, खासकर जब से लाल सागर में हुती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। तो उसके बाद से भारतीय नौसेना के जहाज अरब सागर में संचालन बढ़ा रहे हैं, साथ ही तटरक्षक बल के जहाज भी सर्विलांस बेहतर कर रहे हैं। बीते कुछ समय में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने ऑपरेशन चलाकर कई व्यापारिक जहाजों को बचाया है।